गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 16. द चैप्टर नेम इज लुक लर्न एंड एक्सपीरियंस. देखो सीखो और अनुभव करो एक्सपीरियंस करो. राइट. इन योर क्लासरूम एंड एट होम. आपके क्लासरूम में और घर पे यू सी मेनी थिंग्स. आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो. सम ऑफ देम आर लिस्टेड हियर. उनमें से कुछ चीज़ों की यहाँ पर लिस्टेड यानी कि सूची बनाई गई है, लिस्ट बनाई गई है. यहाँ पर दो कॉलम यहाँ पर हम देख सकते हैं. थिंग्स, व्हाट इज इट मेड ऑफ. इधर थिंग्स के नाम हैं और यहाँ पर हमको क्या लिखना है, किन चीज़ों से, किस चीज़ से ये चीज़ें बनती हैं. तो जैसे कि चेयर, चेयर का एग्जांपल आपकी बुक में दे रखा है. चेयर किन चीज़ों से बनती है, वुड, प्लास्टिक एंड आयरन. डोर किस चीज़ से बनते हैं, डोर के बारे में हम क्या बता सकते हैं, वुड, प्लास्टिक, आयरन एंड सनमाइका. चपाती किस चीज़ से बनती है, वीट फ्लोर एंड वाटर. वीट फ्लोर को हम वाटर मिक्स करके डो बनाते हैं और इसके बाद चपाती बनती है. स्पेक्टिकल्स ग्लास और प्लास्टिक से बनते हैं. बकेट, बकेट किससे बनता है, प्लास्टिक, आयरन. स्पून स्टील से. शूज लेदर, थ्रेड, रबर एंड प्लास्टिक. बुक पेपर, गम, कार्डबोर्ड. द मैटर ऑफ विच द अबव मेंशन्ड थिंग आर मेड इज कॉल्ड अ सब्सटेंस. मैटर यानी कि पदार्थ या वस्तु हम बोल सकते हैं. सब्सटेंस यानी कि तत्व. द मैटर ऑफ विच द अबव मेंशन्ड थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ सब्सटेंस. जो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं ये इनको क्या बोलते हैं, सब्सटेंस यानी कि तत्व बोलते हैं. क्वेश्चन है, इन सर्कल विच हैज वेट और मास. बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्कल करना है कि विच हैज वेट और मास. तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज करेंगे. करेक्ट क्वेश्चन इज इन सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वेट बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज मास हैज वेट. सभी वो चीज़ें जिनका मास होता है उनका वेट भी होता है. तो हम यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा चेंज करेंगे. इन सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट हैव मोर वेट. उनको हमें सर्कल करना है जिनका वेट ज़्यादा है. क्यों हमको क्वेश्चन चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एवरीथिंग दैट हैज मास हैज वेट. सभी चीज़ें जिनके मास होता है, जिनका मास होता है उनका वेट भी ज़रूर होता है, कम हो या ज़्यादा हो. इसलिए हमने यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि जिनका वजन ज़्यादा है उनको सर्कल करेंगे हम. तो वाटर और आइस, वीट, आयरन, ब्रिक, मैन, स्टोन, इनके वेट ज़्यादा होते हैं. प्लास्टिक का वेट हल्का होता है. एयर, केरोसिन, पेपर, विंड, इनके वेट हल्के होते हैं. बैग और मिल्क का वेट ज़्यादा होता है. स्मोक, क्लॉथ, पेन, इनके वेट हल्कम होते हैं. और वुड का वेट ज़्यादा होता है. एक्टिविटी, अभी हम वेट और मास के बारे में समझ लेते हैं कि वेट होता क्या है और मास होता क्या है. तो वेट क्या होता है, किसी भी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के विपरीत उठाने के लिए जो आवश्यक हम बल लगाते हैं. सबको पता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो उसके विपरीत उठाने के लिए जो हम बल लगाते हैं उस वस्तु का भार कहा जाता है, वेट कहा जाता है. विभिन्न ग्रहों पर भार बदलता है, वेट बदलता है. और मास किसे कहते हैं,
मास यानी कि द्रव्यमान किसे कहते हैं? चीज में मौजूद पदार्थ की मात्रा को उस चीज का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को कहीं भी नापो, द्रव्यमान बदलता नहीं है। तो हम जैसे कि इसको कैसे समझ सकते हैं, हम वेट और मास को यानी कि भार और द्रव्यमान को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि दो बोरी है और एक बोरी में क्या है, चावल है और दूसरी बोरी में आलू है। तो अगर पदार्थ की मात्रा समान है यानी एक किलो बोरी में मान लीजिए कि 10 किलो आलू है और 10 किलो चावल है तो समान मात्रा हुई। तो अगर पदार्थ की मात्रा समान है तो उन्हें उठाने में लगने वाला जो हम बल प्रयोग करेंगे वो भी समान होगा, क्योंकि उनकी मात्रा समान है तो हमको उतना ही मेहनत करके उसको उठाना पड़ेगा, न कम मेहनत न ज़्यादा मेहनत, समान ही हमको बल लगाना पड़ेगा उठाने में समान मात्रा की चीज़ को। समान द्रव्यमान के समान भार के इस नियम का हम प्रयोग कैसे करते हैं, तराजू में तोड़ करके, तो हमें पता चल जाता है कि चीज़ें समान हैं। मान लीजिए कि 1 किलो के लोहे के बाट को तराजू में हम एक तरफ रखते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो क्या होगा, नीचे की तरफ चली जाएगी। एक तरफ तो खाली है तो वो नीचे की तरफ चली जाएगी। फिर अभी हम क्या करें कि दूसरे तरफ हम बराबर गेहूं की मात्रा को हम डालें, तो जैसे ही वो मात्रा 1 किलो की हमने तराजू में डाला, क्योंकि 1 किलो का हमने बाट रखा है, तो जैसे ही बराबर मात्रा होगी वो क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की के कारण बराबर हो जाएगा, मतलब वाट और दोनों साइड का जो तराजू का पलड़ा है वो बराबर हो जाएगा, क्योंकि धरती के खिंचाव के कारण दोनों पलड़े बराबर हो जाएंगे। तो ये लोहे के बाट और गेहूं का द्रव्यमान कहलाएगा। किसी भी द्रव्यमान को हम ग्राम, किलोग्राम इत्यादि से हम नापते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को मान लीजिए कि हम लेकर के चांद पर चले जाते हैं तो क्या होगा, इनका जो वजन है, जो वेट है वो कम हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास उतना ही रहेगा। तो नीचे अभी हम देख लेते हैं एक्टिविटी। कलेक्ट थिंग्स लाइक लीफ, नेल, वाटर और इरेजर और चॉक, कुछ चीज़ें हमको लेनी है, जैसे कि लीफ, नेल यानी लोहे की कील, वाटर, इरेजर और चॉक। यूज़ अ पेंसिल टू ड्रॉ एंड आउटलाइन देम, और एक पेंसिल यूज़ करके उनका आउटलाइन आपको बनाना है। यूज़ अ पेंसिल, उनका आउटलाइन बना देना है पेंसिल के यूज़ से। ड्रॉ द फिगर ऑफ वेरियस थिंग्स, और अलग अलग चीज़ों के फिगर को ड्रॉ करना, जैसे कि यहाँ पर लीफ की फिगर बनी हुई है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ किया हुआ पिक्चर हम देख लेते हैं, ये लीफ, नेल, इरेजर, पेंसिल और शार्पनर है, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं, तो ये आपको भी करना है। इट इज़ ट्रू, एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ मैटर, तो सभी चीज़ें मैटर से, किसी न किसी वस्तु से ही बनती हैं। एवरीथिंग हैज़ वेट और मास, तो यहाँ पर भी हमको करेक्शन करना है। एवरीथिंग हैज़ वेट और मास, और नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैज़ मास हैज़ वेट, जो चीज़ों के मास होता है उनका वेट भी ज़रूर होता है। एवरीथिंग ऑक्यूपाइज स्पेस, सभी चीज़ें जगह घेरती हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज़ वेट, और हवा भी है जो जगह घेरती है और उसका वेट भी होता है। अभी आप ये कहोगे कि हवा जगह कैसे घेरती है, क्योंकि हवा तो बहती रहती है। तो मान लीजिए कि एक बैलून हम लेते हैं, बैलून में हम क्या करते हैं, बैलून कैसे फूलता है, क्योंकि हम उसमें हवा भरते हैं तब बैलून फूलता है ना। तो बैलून में हवा भर गई तभी बैलून क्या होगा, अब जगह लेगा, बड़ा हो जाएगा तो जगह घेरेगा ना, क्योंकि उसके अंदर हवा है, और हवा है तो फिर बैलून का वेट भी जो पहले था वो अब नहीं रहा, बढ़ गया। तो इससे हमको पता चलता है कि
एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, हवा जगह घेरती है और उसका वेट भी होता है। तो आज के लिए हम यहाँ पर ही एंड करेंगे इस चैप्टर को, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।